अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं एक जाती एसएसपी रखता हूँ, मेरा नाम अमित फुल है और आप जानते हैं गुजश्ता 24-25 साल से आपके साथ मेरा संबंध है। इसका कोई पैसे का हक नहीं है जो मैंने बयान दिया है, वो मेरा बयान है और आज तक मैंने कोई बयान कभी वापस लिया जो अपने लिए हुआ। मैं अल्लाह की कुर्बानी चाहता हूँ जहाँ इस मुल्क में इसके लिए बनाता हूँ, हमारे आइन के अंदर मौजूद है और मैं ये कहता हूँ कि सारा आइन का ढांचा जो गलत है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इन्होंने आर बना रखा है आइन को, आइन की आर में कौम के खिलाफ जुर्म करते हैं, कौम को लूटते हैं, बाहर पैसा लेके चले जाते हैं। किसान दास साहब ने कहा था 2 करोड़ डॉलर पाकिस्तानी को बाहर करा पड़ा हुआ है, उन्होंने जो अकाउंट पाकिस्तानी अदा लिख तो बता दो, कहीं अपना नाम निकलाएगा तो फिर क्या करेंगे आप बात ही करना चाहते। तो ये आइन का इन्होंने एक पाकिस्तान बना था आदमी इस्तेमाल की जिद में, ना इंतराकियत चाहिए थी ना इधर ईस्ट नॉर्मल की पॉलिसी थी हमारी। कायदे आजम बिल्कुल फेर थे, अगर आप चाहें तो उनके अखबार को पढ़ के सुना सकता हूँ और हमारी करारदादे मुकासिब में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ करारदादे मुकासिब को जिंदा करो, बाकी आइन का ढांचा जो है ये तो टूटी हुई बस की तरह है जो खड़कती है और उसमें कुछ भी नहीं होता, बिड़ा खर्चा होगा लेकिन उसकी शैसी मौजूद है, नीचे उसकी जो बुनियाद है वो मौजूद है, हम उसके ऊपर एक नया ढांचा बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए। ये गलत है, ये हकूक हमारे बहाल करने का सबसे आसान तरीका है कि बताइए अगर आइन बड़ा मुकदस है आइन, इस मुकदस आइन को आप रोज पैमाल करते हैं, दिन रात इंसानी हकूक की बेड़ा गर्क करते हैं, पाकिस्तानियों के हकूक को अहमद गाजी को पकड़ के देते हैं, अपने यूसुफ को देते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो ड्रोन हमले करवाते हैं अपने लोगों के ऊपर, अपने लोगों के साथ जंग करते हैं, वहां वो 14 बंदों को मार देते हैं जिसमें दो स्वाधीन थी और कोई कहते हैं कि नहीं कोई इसमें शरीक नहीं था, ये जुर्म नहीं कर रहे हैं।